अरे रे रे रे, ये क्या हो गया दोस्तों? आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा बवाल हो गया है जनता के सामने, ऑडियंस के सामने। तेजस्वी प्रकाश और शमिता शेट्टी में हुई एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा झगड़ा। आइए इस वीडियो में बताता हूं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट हूं दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो धनाधन फॉलो जरूर करें। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि घर के अंदर एक होटल टास्क आया है, बीबी होटल, और इसी होटल टास्क के तहत तेजस्वी प्रकाश और शमिता शेट्टी में हुई भयंकर लड़ाई। आपको पूरा माजरा समझाता हूं। दरअसल 10 से 12 ऑडियंस जो हैं वो सामने कांच का वो बना हुआ है, वहां पर आकर बैठी हैं और उनके सामने टास्क चल रहे हैं, बैक टू बैक टास्क चल रहे हैं। और इसी दौरान तेजस्वी प्रकाश और शमिता शेट्टी को बना दिया गया मसाजर, करण कुंद्रा को देनी थी मसाज। ऐसे में तेजस्वी प्रकाश अपने अलग तरीके से मसाज दे रही थी, शमिता शेट्टी करण के ऊपर चढ़कर मसाज देने लग गई थी, वो बस एक फनी एक्ट वहां पे कोशिश कर रही थी। तेजस्वी को आया गुस्सा और तेजस्वी प्रकाश ने शमिता शेट्टी को वहां से ही लताड़ डाला, खींच डाला और वो नीचे गिर रही थी, ठीक है, बैक टू बैक नीचे गिर रही थी। इस पर दोस्तों यहां पर फिर उसके बाद झगड़ा और बढ़ता जाता है, जहां पर तेजस्वी प्रकाश बोलती है कि आज से पहले इसने कभी भी टास्क को इतना सीरियसली नहीं करा, और ये जब करण की बात आई तो ये कैसे उछल उछल कर आ गए। तेजस्वी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि करण कुंद्रा को वो जिस तरीके से चीजें करती हैं शमिता शेट्टी, तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये बेसिकली। तो यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि तेजस्वी प्रकाश जो है वो ये बात बोलते हुए नजर आई है कि वो आंटी इसके ऊपर भी चढ़ गई, वहां पे प्रतीक की मसाज कर रहे हैं और वो उसके ऊपर भी मतलब ऊपर चढ़ के मसाज कर रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब इस पर हुआ है बवाल, आंटी बोल दिया है जनता के सामने, हम सब के सामने। अब ये आज हमें एपिसोड में दिखाई देगा, आज ये प्रोमो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, एकदम अमेजिंग। काश ऐसी लड़ाई पहले हुई होती इनकी, तब शायद ये शो इंटरेस्टिंग हो पाता। आपको क्या है कहना, कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय।